देश, बीरू भड़ों को देश, बावन गढ़ों को देश, बीरू भड़ों को देश, बावन गढ़ों को देश, जय जय बद्री गदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, बीरू भड़ों को देश, बावन गढ़ों को देश। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश भट्ट और इस गीत का स्मरण इसलिए मुझे आता है नेगी जी की ये जो एक रचना है वो मुझे इसलिए याद आती है कि मैं बावन गढ़ों में से एक गढ़ चांदपुर गढ़ में खड़ा हूं इस वक्त। ये चांदपुर गढ़ एक ऐसा स्थान है जो गढ़वाल की ऐतिहासिक जगहों में से एक है, और अगर इस जगह की अवस्थिति मैं आपको बताऊं तो ये कर्णप्रयाग से डाइवर्ट होकर के जब हम कुमाऊं की तरफ पड़ते हैं, गैरसैंण की तरफ, यानी जो हमारी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी जैसे कहा गया है हमारे नेताओं द्वारा, पता नहीं ग्रीष्मकालीन है नहीं, मुझे नहीं पता, ग्रीष्मकाल में वहाँ कुछ होता भी होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त राजधानी का विषय नहीं है, विषय चांदपुर गढ़ी का है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस वक्त के इस लाइव कार्यक्रम के लिए। थोड़ी देर आपसे बात करने का मन है, मैं कई बार इस मार्ग से आता जाता हूँ और इस मार्ग की लोकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये गैरसैंण से लगभग 15 किलोमीटर पीछे आदिबद्री एक स्थान है, उससे भी पहले 1 या 2 किलोमीटर पहले ये चांदपुर गढ़ी है। और जो गीत मैंने शुरू में गुनगुनाया उस गीत में हमारे श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बावन गढ़ों का जिक्र किया है, वो गीत मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन उसमें चांदपुर गढ़ी का भी जिक्र है, और वो चांदपुर गढ़ी यही है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ आपके सामने। चांदपुर गढ़ जो उसकी ऐतिहासिकता है, उसके जो डॉक्यूमेंट बताते हैं वो ऐसी मान्यता है कि जो हमारे एक शक्तिशाली राजा कनकपाल, जो 755 या 699 ईस्वी के बीच में जिनका राज रहा है गढ़वाल में, जो मालवा से गढ़वाल पहुंचे थे और संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में कनकपाल ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था और चांदपुर गढ़ को राजधानी बनाया था, स्वयं को जो उससे पहले के राजा थे सोनपाल, अगर आपने नाम सुना होगा, सोनपाल का उत्तराधिकारी अपने आप को स्वयं उन्होंने घोषित किया था। विद्वानों में ये धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल में पवार राजवंश का संस्थापक था। अगर पवार लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और पवार लोग कुछ इस लाइव को देख रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा कारगर है। पवार लोग का जो वंश है वो इसी राजा ने स्थापित किया था। अगर हम ये कहें कि गढ़वाल के जितने पवार वंशज हैं वो उनका प्रादुर्भाव इसी इरा से मिलता है। मान्यता तो यह भी है कि जो भिलंग राज के राजा सोनपाल ने चांदपुरगढ़ में शासन किया था ऐसा कहा जाता है, और राजा सोनपाल की अपनी एक इकलौती पुत्री थी और उसका जो विवाह किया था मालवा से आए कनकपाल से किया था, यानी सोनपाल जो है उसके ससुर हुए, और बाद में जो कनकपाल है वो सोनपाल का उत्तराधिकारी बना। पवार राजवंश में राजा कनकपाल से लेकर अंतिम राजा अजयपाल के नाम आते हैं, परंतु इस संबंध में इतिहास में ऐसा विवरण है नहीं लेकिन ऐसा कहा जाता है। अजयपाल पवार राजवंश का 37वां शासक था, यानी पवार राजवंश जो थे उनका 37 नंबर पर उसका नंबर आता है, 37वां शासक था, और अजयपाल पवार राजवंश का पहला शासक था जिसने बावन गढ़ों को एकत्रित कर अपने अधीन किया था। ये बहुत खास बात अजयपाल के संदर्भ में कही जाती है या अजयपाल के बारे में इतिहास में ये बड़ा उल्लेख है कि बावन गढ़ों को एकत्र किया था, और गढ़ जो शब्द है उसी से गढ़वाल भी बना है। अगर आप जानना चाहें कि हमारे क्षेत्र को, हमारी इस धरती को, हमारी इस ज़मीन को गढ़वाल क्यों कहा जाता है तो वो गढ़ जो शब्द है गढ़वाल इन्हीं बावन गढ़ों का एकत्रित और समग्रित रूप है। चांदपुर गढ़ के जो अंतिम राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी वर्तमान जो श्रीनगर देवलगढ़, जिसका कि मैंने पिछले या 2 साल पहले इसका एक वीडियो अच्छा सा आपको बना करके दिया था, वो आपने देखा था, बहुत मात्रा में आपने उसे पसंद भी किया, देखा भी, और बहुत से कमेंट्स भी उसमें किए आपने, बहुत से सवालात भी किए,
और लगभग 1415 यानी 1358 ईस्वी में स्थानांतरित करी थी उसने यहाँ से वो राजधानी, और चांदपुर परिजत्य मत चांदपुर तब से उपेक्षित हो गया। अब मैं इसका पूरा परिसर आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, और ये एक पहाड़ी पर अवस्थित है ये जो जगह है, जो किले की प्राचीरों तथा तो निवास ग्रहों से घिरा हुआ है। प्राचीर तराशे अत्यधिक मजबूत प्रस्तर खंडों से बनाए गए हैं, और ये कहा जाता है कि किले के नीचे घाटी की ओर एक भूमिगत रास्ता खोदा गया जो कि यहाँ जल उपलब्ध करवाता था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका मुख नदी के पास दृष्टिगत है, परंतु प्रसाद में इसका कोई चिन्ह नहीं मिलता है। और ख़ास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून द्वारा 2004 से 2007 में यहाँ उत्खनन भी करवाया गया था। अगर आपने इतिहास के विद्यार्थियों ने अगर देखा होगा तो यहाँ बहुत से ऐसे चीज़ें मिली हैं, इतिहास की बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो कि यहाँ के ऐतिहासिकता का सटीक प्रमाण है, जिसमें आवासीय भवनों के अतिरिक्त अन्य अवशेषों में लोह निर्मित अस्त्र, तांबे व कांस के बर्तन व मिट्टी के पात्र आदि इसमें पाए गए हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसका परिसर दिखाता हूँ। तो आइए सर, आप यहाँ पर एक सज्जन हैं जो यहाँ इस जगह को देखते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाल सिंह नेगी। दयाल सिंह नेगी है, तो कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 14 से। 14 से। आप पुरातत्व के कर्मचारी? हाँ, पुरातत्व के कर्मचारी। क्या काम है आपका यहाँ पे देखते हैं? देख रहे और टूट पड़ी सैन सफाई। अच्छा, कितने लोग और कर्मचारी आपके साथ हैं? दो और हैं। वो कहाँ हैं अभी? अभी खड़े एक छुट्टी भी है। अच्छा, और एक खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या क्या महसूस करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे जो है साहब, ये जो है किला था करकपाल का। आइए थोड़ा चलते भी हैं और यहाँ से बताते जाइए। ये जो जगह है यहाँ चलते हैं, इधर से आइए। ये अगर आप हमारे दर्शक इस परिसर को देख रहे हो तो ये देखिए, ये किला यहाँ पर, इसके अंदर हम आपको जगह दिखाएंगे, तो आप बताते जाइए थोड़ा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो है देवी का कनकपाल की देवी। हाँ, यहाँ पर मैं ये देवी का स्थान देख रहा हूँ। इस देवी के बारे में बताएं। ये देखिए सर, ये जो है राजा की कुल देवी थी। अच्छा, ये राजा की कुल देवी थी। हाँ हाँ, और यहाँ पे जो राजा होती थी। अच्छा, यानी नंदा राजा जो है वो यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, और आगे चलती है। हाँ हाँ हाँ, तो शुरुआत के दिन क्या होता है यहाँ पर? शुरुआत के दिन यहाँ पे जो है वो चौसिंगी खाट हुआ और छतुरी हुई, वो आती यहाँ पे पूजा पाजा हुई और भंडारा चला और आगे वो गाँव। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किला जिसे कहा जाता है राजा सोनपाल कनकपाल का जो किला है, सोनपाल के उत्तराधिकारी हुए कनकपाल, और जैसा कि सोनपाल। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये किला का मतलब सीधे सीधे होता है, जैसे कहते हैं कि अभेद्य किला है, और जब युद्ध का समय होता था तो राजा किलों के अंदर बैठ जाते थे और उनके सैनिक उनकी रक्षा करते थे। और ये देखिए, अगर ये आप छोटे छोटे ये खंडहर टाइप कुछ खंडहर नुमा कुछ देख रहे हैं, तो ऐसा बताया जाता है ये सैनिकों के शिविर यहाँ पर हुआ करते थे, और जिस तरह से आज आर्मी डिप्लॉयड होती है जगह जगह पर, उस तरह से राजा के जो सैनिक थे वो इस तरह से यहाँ डिप्लॉयड होते थे और इन शिविरों में रह करके राजा की रक्षा करते थे। मैं थोड़ा इस जगह पे आ जाऊँ, यहाँ हुआ हूँ मैं खड़े हो सकता हूँ? तो ये देखिए साहब, यहाँ ये आप सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, और थोड़े तार अपने हाथ में रखिएगा, और ये देखिए ये चारों तरफ बहुत ही आकर्षक है, और इतिहास के ये जो प्रमाण हैं ये बता रहे हैं कि वास्तव में जब ये अपने समय पर रहा होगा तो कितनी भव्यता इसकी इस जगह की रही होगी। और यहाँ अंदर जाने की परमिशन है? हाँ, यहाँ हम आपको अंदर जो मुख्य किला है उसके अंदर भी आपको ले जाएंगे, और ये चारों तरफ की जो फिजाएं हैं उनको भी आप देखेंगे तो लगेगा कि एक बहुत ही अलौकिक जगह पर ये जगह निर्मित की गई है। चौतरफा चांदपुर गढ़ी के आसपास जितने भी गाँव हैं वो इस पूरी संस्कृति से बहुत ठीक तरह से परिचित हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस जगह का महत्व है, इस जगह की ऐतिहासिकता है, और गढ़वाल जिन क्षेत्रों के लिए गढ़वाल अपने ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है, वो जगह बहुत ठीक तरह से यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। तो आप चौतरफा इसका नज़ारा देखेंगे तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर लग रहा है, और जिसके प्रस्तर हैं वो लगभग ये बताए जाते हैं कि 17वीं या 16वीं शताब्दी के पत्थर हैं जो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ ये है, जो इसका प्रस्तर निर्माण है ये 17वीं 16वीं से और 17वीं शताब्दी का ये निर्माण है, जो अगर आप
देखेंगे इन पत्थरों को, आप ठीक तरह से महसूस कर सकते हैं, देखिए, और बहुत मजबूती से और बहुत करीने से इन पत्थरों को किले के शक्ल में सजाया गया है। मैं अंदर, यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे जी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वक्त हमसे जुड़े हैं। यहाँ मैं अब मुख्य जगह पर आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ इस मंदिर के बारे में बताएं सब। ये जो है कालिका मंदिर है। हाँ। और श्री कुलादा के कुलदेवी थी, कुलदेवी, और ही पूजा होके जो है जब राजा थे ये स्थल थे जी आगे। और राजा का ये स्थल था, ये बोला स्थल, ये मंदिर बता समय की गई। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि राजा का ये जो जगह है, खास जगह है, राजा की स्कूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि किला, हाँ किला, यहाँ पर राजा अपना किला बना हुआ, किला बना हुआ था, जहाँ पर अभेद्य किला जिसे कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद में ही किले होते हैं, हमारे गढ़वाल में भी बहुत मजबूत किले हैं, जो राजा ने अपनी शौर्य और पराक्रम का जहाँ पर उदाहरण दिया। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तर की मूर्तियाँ भी यहाँ पर रखी हैं। ये क्या बताएंगे इनको, ये यूज के लिए थे ना। हाँ, ये जो संभाल के गया, ये जो मैंने जो कहा था 2004 से 2007 तक जो उत्खनन हुआ था यहाँ पर, उस पर निकले हुए ये अवशेष हैं। देखिए, बहुत ख़ास हैं आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और इतिहास और पुरातत्व विभाग की ये मेहनत से ये यहाँ पर निकले हैं। तो इससे ये ठीक से हम इन बातों को प्रमाणित करते हैं कि राजा ने किस तरह से अपना यहाँ पर वैभव कायम किया होगा उस दौर में। तो ये देखिए आप, चांदपुर गढ़ी का ये सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक ये बाहर, अब बताया आपने मंदिर वही था ना, ये यहाँ स्थापना के बाद में मंदिर। अच्छा। बाहर था पहले। अच्छा, जब किला था तो भी मंदिर बाहर था। अच्छा, जब यहाँ से कुछ ले गए रात लोग, हाँ हाँ, खंडर पड़ गया, तो तब गाँव वाले गाँव बताया कि इसको जो है स्थापना के अंदर किया जाए। अब जैसे वो थे, जैसे ये देखो आप, ये बाहर हो जाएगी। अच्छा, इनके बारे में, हाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको जगह दिखाना चाहता हूँ, चांदपुर गढ़ी जगह पर हम लोग हैं। जो लोग देर से जुड़े हैं उनको मैं बताऊँ कि गैरसैंण मार्ग के मध्य में आदबद्री के पास में जगह है, जो चांदपुर गढ़ी के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में एक। अब ये अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सैनिकों को ये जगह बनाई गई थी, जहाँ से वो आक्रमणकारियों को देख करके और अपनी सुरक्षा बनाते थे। अंदर से बाहर से आक्रमण कर पाते, और क्या करते थे, वो बाहर से आक्रमण कर पाते, क्यों? हाँ हाँ हाँ, ये जाहिर है। ये देखिए इस तरह के, ये उस दौर का बनाया हुआ एक शिल्प है जो बहुत शानदार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जंगल का कुछ कोना भी इस जगह से दिख रहा है, इस कोने से हम जंगल को, और यहाँ से हमारे जो सैनिक उस दौर के रहे होंगे, वो आक्रमणकारियों को बहुत सधे हुए निशाने से यहाँ से देख सकते थे। तो ये राजा की सुरक्षा के लिए, राजा के किले की ये सुरक्षा चाक चौबंद करके बनाई गई होगी। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन नमूना यहाँ पर हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो खाने बने हुए हैं, इनके बारे में बताएं कुछ। ये वही थे ना सुरक्षा के लिए, ये जो आगे ये जो खाने बने हैं, ये लोग, हाँ ये तो कमरे थे उनके। अच्छा, अब किसी उनका खाना बनाना होगा, किसी पर रहने के निवास होगी, कोई और वो चीज़ें होगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो किला था, उसका पूरा पूरे उसी अंडे बताइए, राजा का किला, राजा का किला था, ये खाना पीना होगा, रहना होगा, कहीं कहीं गेस्ट होगा, तो उसका बने हुए, ये उनका अपना था, ये और सर के लिए बाहर, इसलिए बाहर रखा हुआ था। तो ये है चांदपुर गढ़ी, इतिहास के पन्नों पर जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है। और मैं सपरिवार एक निजी यात्रा से इधर से गुजर रहा था, तो सोचा कि इस जगह को आपसे भी रूबरू करवाऊं। मैं बहुत पहले कभी इस जगह पर आया था, तब मोबाइल युग नहीं था और सिर्फ हमारी बातें हम तक थी। आज ये अच्छी बात है कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग आपसे जुड़ करके थोड़ी सी जो भी हमारी जानकारी है, जो इस जगह पर आकर के हम इकट्ठा कर सकते हैं, आप तक हम साझा करते हैं। इस मंदिर के बारे में बताएं। ये मंदिर जो काली माँ का है। अच्छा, और यहाँ पे वही सवाल बार बार क्या बोले, राजा होते और अपने उसका जो है इष्टी देवी थी। बस ये बता रहे हैं कि राजजात जब शुरू होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 साल में नंदा राजजात का प्राविधान है उत्तराखंड में, तो यहाँ से शुरुआत होती है नंदा राजजात की, और यहीं पर उनका अनुष्ठान
पूर्ण होता है। हालांकि यात्रा नौटी और कुरुड़ से चलती है, यात्रा जो है वहाँ से चलती है, कसवा से, कसवा से, कांसवा से आकर के यहाँ पर पूजा शुरू होती है। कांसवा से आकर के जो यात्री हैं वो यहाँ इस स्थल पर पूजा प्रारंभ करते हैं और चांदपुर गढ़ी का महात्म्य वो यहाँ से लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और जगह बाहर की दिखाना चाहता हूँ। आइए सर, यहाँ नीचे मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए बहुत सुंदर चौतरफा जो बहुत ही खुशबूदार जो हवाएं यहाँ चल रही हैं, भीनी भीनी खुशबू के साथ जो हवाएं चल रही हैं वो इस जगह को बहुत ही आकर्षक और बहुत मनमोहक बना रही हैं। ये जो खाने हैं ये भी मुझे लगता है सैनिकों के हैं ना सर? सैनिकों के निवास। ये देखिए, अगर आप दूर तक इस नज़ारे को देख सकते हैं तो जगह जगह जो ये ब्लॉक्स बने हुए, जो खाने जिन्हें कह सकते हैं, ये सैनिकों के आवास थे और राजा की सुरक्षा में जिन सैनिकों को तैनात किया जाता था उनके लिए ये जगह बनाई गई थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा किस ऐश्वर्य के साथ में और किस वैभव के साथ में यहाँ रहते होंगे। और वाकई ये बहुत शानदार एक शिल्प का भी नमूना है, शानदार इतिहास का भी प्रमाण है और शानदार मनमोहक और एक दर्शनीय जगह भी ये जान पड़ती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो सुदूर अलग अलग क्षेत्रों में गांव भी इस नज़ारे को देखते होंगे और गौरव के उस क्षण का एहसास करते होंगे, गौरव के उस उन पलों को एहसास करते होंगे गढ़वाल के इतिहास में, जिन गढ़ों का बहुत बेहतरी से उल्लेख किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखते होंगे कि ये एक कुआं नुमा यहाँ पर ये जगह है, इसके बारे में बताएं सर। ये जो था प्राचीन कुआं था और राजा का जो अपने पानी की बैकल व्यवस्था थी। अच्छा, इसमें पहले जो थी वो पहले पनाल होते होते थे ना, हाँ, मिट्टी के, हाँ, वो लगा के ऊपर से पानी आता था। अच्छा, ये पानी कहाँ से आता था? ये ऊपर तो गांव से थोड़ा ऊपर गाँव वाले एक पता कहाँ गाँव था। अच्छा, वहाँ से पनाल लगा के पानी आता था और जब कमी पड़ गई तो फिर अपने कलश पर लेते थे। तो देखिए, राजा ने अपने लिए पूरी व्यवस्थाएं की थी, जल जंगल और ज़मीन सबकी यहाँ व्यवस्थाएं राजा ने अपने लिए की थी। और ये जो कुआं देख रहे हैं राजा ने अपने लिए एक रिजर्व वाटर का भी, तो ये भी और भी कुछ खास है यहाँ पे। तो ये देखते होंगे आप चांदपुर गढ़ी, जिसके बारे में आपने सुना जाना और कभी बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन इसके जो ऐतिहासिक जो जानकारियाँ हैं वो देने में मुझे भी अच्छा लगा। और देखिए ये राजा का किला, तो आप किला देखने सिर्फ दिल्ली हैदराबाद या लखनऊ ना जाएं, कभी कभी गढ़वाल में भी आएं, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। तो आइए सर, थोड़ा सा और बात करेंगे आपसे। और बहुत से लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को का उल्लेख कर लेता हूं और आपका नमस्कार मैं भेजता हूं। आ जाओ। बहुत से लोग हैं, गुरु प्रसाद जी नमस्कार, पूनम चौधरी जी नमस्ते, आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रही हैं, अजय नेगी जी आपको हमारा नमस्कार, रमेश चंद्रा जी नमस्ते, अनूप भोगणा जी खांसो मत, नहीं खांसेंगे सर, कभी कभार इस उम्र का तकाजा ये है कि खांसी आ जाती है, खांसेंगे तो आप ज़रूर हमें पकड़वा लेंगे ऐसा भी मेरे को लगता है, लेकिन हमें यकीन है कि जब आप नज़दीक होंगे तब आपके पास नहीं खांसेंगे। रेखा जी नमस्ते, रेखा थपलियाल हमें देख रही हैं, सुभाष चंद्रा हैं, सुभाष बेंजवाल जी हमारे साथी हमें जुड़े हुए हैं, पूनम चौधरी जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, सुनील भट्ट जी इस इवेंट में हैं, जे एस राणा जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपका शुक्रिया सर, आशीष नयाल जी हैं, कुंवर सिंह बिस जी हैं, अनिकेत त्रिपाठी जी हैं, गौरव नेगी जी सुंदर, शहरों की आपाधापी वाली बनावटी जिंदगी से इतर अपनी संस्कृति अपनी जड़ों को खोजते वीडियो सचमुच अनुपम है, अनुपम आपकी निगाहें हैं, अनुपम आपकी दृष्टि है और अनुपम है आपका जुड़ाव जो इस वक्त हमसे आपका बना हुआ है। गौरव नेगी जी, नागिन जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, महेंद्र पंवार जी हमें देख रहे हैं, हमारे NSDN युवा तुर्क जो लगातार किसी न किसी तरह से हमें मनोरंजन देते रहते हैं, इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जीवन राज जी शुक्रिया, अभिषेक नेगी जी और गिरवीर सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं सर, यश सेमवाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सुबोध अटवाल हमारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं,
यश सेमवाल, सुबोध जी नमस्ते, राजेंद्र सोयाल जी हैं, दीपक नेगी हमें देख रहे हैं, शायद उखीमठ में होंगे, योगी तिवारी हमें देख रहे हैं, मधुर वादनी तिवारी लगातार हमारे हर प्रोग्राम में हमसे जुड़ी रहती है, हमें हौसला देती रहती है, आपका शुक्रिया। रीना सेमवाल जी आपको मेरा नमस्कार, प्रमोद काला जी आपको भी मेरा प्यार नमस्कार, प्रफुल्ल डंगवाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर योगंबर नेगी सर, इतिहास और भूगोल को समेटता हुआ ये जो स्थल है ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ख़ास जानकारी ये मिली है कि 2007 और 2004 और 7 के बीच में जो खनन हुआ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, वो मैंने आज देखी हैं तो बहुत अच्छा लगा। अमित भगणा जी, हरेन सिंह जी आपको नमस्कार, नेगी विनय हमें देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। हमारे परम अग्रज मित्र जगदीश भट्ट जी हमसे जुड़े हैं, सर बहुत शुक्रिया। श्रवण भट्ट हमसे जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। प्रदीप धर्मवाण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल काला हमसे जुड़े हुए हैं, नीरज नेगी हमारे साथ हैं, हरपाल बुटोला, अनिल काला, गजब कर दिया राकेश जी आपने, इस जगह पर मैं 1977 में गया, बहुत अच्छा स्थान है। 1977 और 2021 में सर अब बहुत फ़र्क आ गया है, अब काफ़ी चीज़ें यहाँ इम्प्रूव करी हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और इस सुंदर जगह का अवलोकन आप ज़रूर करें। दिनेश सेमवाल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, राकेश पोखरियाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भारती जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, भारती जी, शेषपाल रावत जी उखीमठ से हमारे से जुड़े हुए हैं सर, शेषपाल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और नीलम थपलियाल जी हमसे जुड़ी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी हमें देख रहे हैं, पंकज सुंदरियाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, मुकेश हटवाल दक्षिण कालिंका माँ ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ी जी, सुरेंद्र पाल सिंह नेगी जी, विनोद नौटियाल जी हमसे जुड़े हैं, रमाकांत बिस जी, अशोक पंवार जी, राजेंद्र रावत जी हमसे जुड़े हैं, रमाकांत बिस जी हैं, अशोक पंवार जी हैं, हिमांशु मैठानी हैं, रमाकांत बिस्ट हैं, नितिन काला जी हैं, कैलाश चंद्र हैं, कैलाश चंद्रा, किशोर वशिष्ठ हमसे जुड़े हुए हैं, विनोद नौटियाल हमसे जुड़े हैं, कैलाश जी नमस्ते, हमारा आप जहाँ भी हैं अच्छे हैं, अच्छे रहें, कुशल रहें, विनोद रावत जी हैं, विनोद नौटियाल जी हैं, रतुड़ी दीपक जी हैं, आशीष अवनीश उनियाल जी हमारे मित्र हमसे जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत खूबसूरत स्थान है, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा। दीपिका सवाल हमसे जुड़ी हैं, जस्मिन रोहनी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, दमयंती पंवार हमसे जुड़ी हैं, नागेंद्र भट्ट जी मक्कूमठ से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सर हमें देखने के लिए, कैलाश चंद जी किधर हो आज की सैर, ये चांदपुर गढ़ी है सर जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं। अमर चौहान सर हमसे जुड़े हैं, नागेंद्र भट्ट जी और पंवार पवन डिमिर जी हमसे जुड़े हैं, तो आपने क्या नाम बताया था अपना, दयाल सिंह, दयाल सिंह यहाँ पर हैं, इनको भी आप शुक्रिया करें, आप नमस्कार कर दीजिए सबको, हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं और इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की वजह से इन जगहों को हम बचा पाए हैं, तो एक बार मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटा सा एक लाइव प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया होगा, बस यूँ ही राह चलते चलते, आप सबका बहुत शुक्रिया। मनवीर रावत जी हमसे लास्ट में जुड़े हैं, बस जी नमस्कार, गढ़वाल की प्रथम राजधानी में आज, जी हाँ मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्रथम राजधानी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। अविनेंद्र भट्ट जी, आर्यवीर जी और जितने भी लोग हमसे शुरुआत में जुड़े हैं, अगर इस वीडियो को आप लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो गढ़वाल की पहली राजधानी का ये वीडियो बहुत से लोगों तक जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।